फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांसी सक्सेस पॉइंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके लिए फ्रेंड्स एक और मॉक टेस्ट की न्यू सीरीज लेकर तैयार हैं, जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम, आपका एसएससी सीएपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आपका सीजीएल, साथ ही साथ आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साथ ही साथ आपके पटवारी, ग्राम सचिव, कलर्क, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है ये सीरीज। तो आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर सीरीज को पूरा अटेंड करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके ऊपर प्रतिदिन सीरीज का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आपको जो और सीरीज हो चुकी हैं उनका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, यहाँ पर जो उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, जिसके अंदर हीलियम और ऑक्सीजन दोनों आती हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया। आपका फ्रेंड साइंस होगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण बनाड़ के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया, ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनी कौन है, सबसे बड़ा स्तनी कौन है या सबसे बड़ा मैमल कौन है इस विश्व के अंदर। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा नीली वेल है जो सबसे बड़ा स्तनी है, ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, पक्षियों का के अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है। सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, आपका और यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑर्निथोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका फ्रेंड्स 55 का 4 है, ऑप्शन नंबर 4 डेमोग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है। आपको फ्रेंड्स बताना है डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका एक है, हैदराबाद में है, हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वैक्सेक्टोमी कहलाती है, वैक्सेक्टोमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स बताना है स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है, आपको फ्रेंड्स बताना है स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है, एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक फ्रक्टोज है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 फ्रक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 घनत्व, घनत्व या डेंसिटी क्या चेंज नहीं होती है वस्तु की मात्रा बदलने पर। नेक्स्ट आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपसे फ्रेंड्स का स्वागत है एडवांसी सक्सेस पॉइंट में। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपने फ्रेंड्स बताना है सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा नौ संचालकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक चांदी का अयस्क है, ऑप्शन नंबर आपका एक चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है।
आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा क्यूरी है, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। आपको फ्रेंड्स बताना है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा आंसर कीजिएगा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो, यहाँ पर तीन समस्थानिक है प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चार, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से कहाँ से प्राप्त होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्राप्त होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर चार है, फफूंदी से प्राप्त होती है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया गया था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद वर्ण किसको कहा जाता है। सफ़ेद वर्ण किसको कहा जाता है आपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपको फ्रेंड्स बताना है सफ़ेद वर्ण किसको कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, प्लेटिनियम को कहते हैं। प्लेटिनियम आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्य सोना कहलाता है। आपने फ्रेंड्स बताना है द्रव्य सोना कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपने फ्रेंड्स बताना है द्रव्य सोना कहलाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पर पेट्रोलियम है जो द्रव्य सोना कहलाता है। पेट्रोलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है CaSO4 2H2O, क्या है CaSO4 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है। और आपका ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ऑप्शन ए के अंदर POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, मूर्तियां निर्माण करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डियों को जोड़ने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम का इस्तेमाल मृदिक यहाँ पर मिट्टी को सुधारने के लिए भी किया जाता है क्योंकि अधिक सिंचाई की वजह से मिट्टी की अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है त्वचा का रंग किसके कारण होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है आपने फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा त्वचा का रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपको फ्रेंड्स बताना है कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका तीन बीज से प्राप्त होती है, बीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है आपका फ्रेंड्स 72 का दो है, यहाँ पर आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है आपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है। उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 73 का, यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 4, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपका फ्रेंड्स 4 है, ओम है, ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है जो समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैसोहोल किसका मिश्रण है। गैसोहोल किसका मिश्रण है आपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है। गैसोहोल किसका मिश्रण है आपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 है, पेट्रोल तथा एथेनॉल का है। पेट्रोल तथा एथेनॉल राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फ्रेंड्स बताना है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन बर्नर
किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका फ्रेंड्स करेक्टेंसी का 77:2 है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है, संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा साइकस है, जो संसार का क्या है सबसे बड़ा बीजांड है, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर का रेडॉन है, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर का 4 आर्गन गैस है, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, कितनी होती है आपकी फ्रेंड्स 0.01%, ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर आपका 4 बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक है, मतलब वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचकांक है, आपको इस बारे में बताना है। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है ध्वंसी सक्सेस पॉइंट में। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपने फ्रेंड्स बताना है कि वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचकांक है, आपका फ्रेंड्स 82:3 है, वर्षा की संभावना का, वर्षा की संभावना राइट आंसर हो जाएगा। वायुदाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायुदाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 घटता है, और आपका ऑप्शन नंबर 2 घटता करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचकांक है, आपको फ्रेंड्स बताना है बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचकांक है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है साफ मौसम का है, साफ मौसम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है। यस फ्रेंड्स, याद रखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 1/6 होता है, 1/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी का मान कम होने पर क्या होता है, जी का मान कम कहाँ पर होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी का मान कम कहाँ पर होता है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर का विषुवत रेखा पर होता है, विषुवत रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 0 होता है, आपका फ्रेंड्स 0 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, किसी माध्यम का तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी माध्यम का दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, कि बेटा पंस कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है हमारे यद्वंशी सक्सेस पॉइंट परिवार में। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास प्रतिदिन की सभी लाइव यहाँ पर सभी जो सेशन हैं उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपको फ्रेंड्स बताना है किस माध्यम पर ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर आपका बढ़ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर का आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। उत्प्लावन बल में क्या बताया जाता है कि जिसकी
जिस किसी भी वस्तु की डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी, और जिसकी डेंसिटी पानी से अधिक होगी वो पानी में डूब जाएगी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के लिए प्लैन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के लिए प्लैन वेग का मान कितना होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के लिए प्लैन वेग का मान कितना होता है, सूर्य के लिए प्लैन वेग का मान कितना होता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा सूर्य के लिए प्लैन वेग का मान कितना होता है। आपका फ्रेंड्स करंट का 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 42 किलोमीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के लिए प्लैन वेग का मान कितना होता है, चंद्रमा के लिए प्लैन वेग का मान कितना होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं सेशन का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका सही आंसर होगा पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक किसका बना होता है, तड़ित चालक किसका बना होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तांबे का बना होता है। सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे तड़ित चालक किसका बना होता है, तांबे का बना होता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पर जस्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, आपने फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फ्रेंड्स करंट का कार्बन का बना होता है, कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लेना किसका अयस्क है, ग्लेना किसका अयस्क है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ग्लेना किसका अयस्क है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका बेटा राइट आंसर होगा सीसे का अयस्क है, सीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अमल है, लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अमल है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा पंच कीजिएगा लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अमल है, आपका फ्रेंड्स करंट का सल्फ्यूरिक एसिड है जो लेड संचायक बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करंट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अमल आपका विनेगर में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अमल आपके पेट में पाया जाता है, और नाइट्रिक अमल है एक्वारेजिया का एक भाग होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि आपके पास वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको फ्रेंड्स बता दें सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, 6:30 ट्यूशन स्पीडी का महासंग्रह, 8:30 आपकी जनरल साइंस की क्लास, 11 बजे आपके रीजनिंग की क्लास, 12:30 बजे आपकी जीके क्लास, 2 बजे आपके मॉक टेस्ट, शाम को 5:30 बजे जनरल साइंस की क्लास, 7 बजे आपका मॉक टेस्ट, 7:15 पर आपकी यहाँ पर रहती है जनरल अवेयरनेस की क्लास, 9 बजे आपका मॉक टेस्ट, और 9:15 पर आपकी रहती है रिवीजन क्लास। प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।